आधार कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। फाइनली आधार कार्ड में यूआईडीआई ने कुछ नियम बदल दिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए जान लेना काफी बड़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो फाइनली दोस्तों, एक ट्रेंडिंग न्यूज के साथ आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियो रोजाना देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो देंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप हमारे वीडियोस को रोजाना देख पाएंगे। तो दोस्तों, आधार न्यूज सब्सक्राइब करें टेक गुप्ता चैनल को और दबाएं इस घंटे को, ताकि आप देख सकें टेक्निकल और सीएससी वीडियो सबसे पहले। के लिए आपको गूगल पे आना होगा। गूगल पे आप आधार सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूज देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप सरकारीयोजना.com पे आ सकते हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाता है पूरे प्रूफ और डिटेल के साथ। तो दोस्तों, ये काफी ज्यादा वायरल साइट है। यहाँ पे एक न्यूज लिखा गया है, आधार कार्ड बड़ा बदलाव, अब कुछ भी अपडेट करना होगा मुश्किल। तो दोस्तों, क्यों मुश्किल होगा, क्या क्या अपडेट करना मुश्किल होगा और किस लिए मुश्किल होगा, कब से मुश्किल होगा, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो सिंपली दोस्तों, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, UIDAI जो अपने कुछ नियम में बदलाव करने जा रही है, जिसको जान लेना आधार कार्ड धारकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हम बात करें तो 2019 में जनवरी से कुछ नए नियम लागू करने जा रही है UIDAI, जिसके बदौलत आधार कार्ड में जन्मतिथि, पता और भी कुछ अपडेट करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप जन्मतिथि अपडेट करना चाहेंगे तो अगर आप एक बार से अधिक जन्मतिथि अपडेट करते हैं तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी आधार कार्ड क्षेत्रीय कार्यालय विजिट करना होगा, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पे नहीं होता है। अगर दोस्तों आप पहली बार आधार इनरोलमेंट के बाद अपना जन्मतिथि अपडेट करवाते हैं तो ये इनरोलमेंट सेंटर से हो जाएगा। अगर दूसरी बार आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में आपको जाना होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर दोस्तों हम बात करें दूसरी अपडेट की, तो डाकघर में जो काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जनवरी 2019 से डाकघर में किसी भी प्रकार के अपडेट नहीं किए जाएंगे। नया इनरोलमेंट होगा जो चल रहा है, लेकिन दोस्तों आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पाएगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तीसरा अपडेट की अगर हम बात करें तो पता अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं, यानी कि अपना एड्रेस, तो एड्रेस जहां पे भी आप अपना अपडेट करवाना चाहते हैं, नया एड्रेस आप जो भी डालेंगे अपडेट करवाने के लिए, UIDAI उस पर एक पिन भेजेगी, जो पिन आपको आधार पोर्टल पे डालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, सबमिट करना होगा। सबमिट करेंगे पिन वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका एड्रेस खुद ब खुद अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी सत्यापित डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे, यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, पिन कार्ड के द्वारा, पिन नंबर के द्वारा वो वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों, तो ये कुछ अपडेट थे। आप प्रॉपर अपडेट के लिए सरकारीयोजना.com पे आइए और इस पूरे न्यूज को पढ़ लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई है। हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हर आधार कार्ड धारक अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, अपने संगी सहपाठियों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके आधार कार्ड के नए नियम के बारे में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप सही से होंगे, अपना अच्छा से ख्याल रखेंगे। वीडियो को हो सके तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हो सके तो चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को भी दबा ले। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।